हाय एंड वेलकम टू डेवू इंडिया। मेरा नाम राज है और आज मैं आपके सामने 40 इंच डेवू टीवी का अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और कौन कौन से इसमें फीचर्स है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आपके सामने डेवू का ये बॉक्स है, यहां पे डेवू का ब्रांडिंग है, हाई डेफिनेशन टीवी सिस्टम, और यहां पे आप रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं 1366x768, मतलब ये HD रेजोल्यूशन में आता है। इसके अंदर एंड्रॉयड 8 है ऑपरेटिंग सिस्टम, वाईफाई है, डिजिटल डॉल्बी साउंड, ई शेयर और सर्च प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलता है। तो इसके अलावा अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे MRP स्टिकर लगा हुआ है, उसके नीचे ही हमारा कस्टमर केयर नंबर है जहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके डेमो और वॉल माउंटिंग की इंस्टॉलेशन की। तो चलिए फटाफट इस बॉक्स को अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती है। तो टीवी के बॉक्स के अंदर दो बेस स्टैंड मिलते हैं, लेफ्ट और राइट, इसके हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं लेफ्ट और राइट के हिसाब से। और इसके अंदर आपको मिलता है वॉल माउंट ब्रैकेट जिसे आप टीवी जो है दीवार पे फिट कर सकते हैं, हमारे टेक्नीशियन आके आपको वॉल माउंटिंग करके देंगे। इसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है और वारंटी कार्ड मिलता है। इसके अलावा दो रिमोट मिलते हैं, एक जो है नॉर्मल रेगुलर रिमोट होता है और दूसरा जो रिमोट होता है वो एयर माउस वाला रिमोट होता है। इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको थोड़े समय में बता दूंगा। तो चलिए पहले टीवी ऑन कर लेते हैं। जब ये टीवी ऑन होता है तो इस तरह से डेवू का लोगो आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम टीवी ऑन होता है, ऑन होते ही आपको होम स्क्रीन दिखाई देता है और होम स्क्रीन पे कौन कौन से सेटिंग्स और कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप टीवी ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाते ही आप वाईफाई सेट कर सकते हैं। वाईफाई सेट करने के लिए आपको नेटवर्क में जाना है, सेटिंग के अंदर यहाँ पे वायरलेस होना चाहिए। वायरलेस के नीचे आप यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क्स आपके जो भी अवेलेबल राउटर सिग्नल से वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और इस तरह से आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। अभी यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे टाइम भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, 5:42 PM यहाँ पे टाइम है। और उसके साथ में यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके इनपुट दिखाई देते हैं। इनपुट में आपको ATV, AV1, AV2, HDMI1, HDMI2 आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके यहाँ राइट साइड में अगर देखते हैं तो कास्ट का ऑप्शन आता है। कास्ट मतलब यहाँ से आप अपना मोबाइल जो है स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको ये एंड्रॉयड C304 आपको सर्च करना है, इससे आपका मोबाइल टीवी के साथ स्क्रीन मिरर हो जाएगा। इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रीलोडेड ऐप्स आपको टीवी में दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, हंगामा और अल्ट बालाजी, ये प्रीलोडेड ऐप्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर और ऐप डाउनलोड करने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से करने होते हैं। लेफ्ट में यहाँ पे राइट्स में जाते हैं तो ऐप्स में आपको यहाँ पे कुछ और मेन्यू दिखाई दे रहा है, इसमें आपको वही ऐप दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी प्रीलोडेड है। अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप स्टोर या एप्टॉय टीवी या फिर गूगल प्ले स्टोर, इनमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ऐप स्टोर है तो मैं ऐप स्टोर में जाता हूँ और इसके अलावा भी और ऐप्स डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आपका जो भी ऐप चाहिए वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अमेज़न प्राइम लिखा है तो ये अमेज़न प्राइम आ गया। इस तरह से ऐप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन है तो इस तरह से ये इंस्टॉल हो रहा है। इस तरह से आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। वन बाय वन हम देखते हैं इसे ओपन करके। तो ये है यूट्यूब, तो यूट्यूब ओपन हो गया। इस तरह से आप यूट्यूब ओपन कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा दूसरा ऐप देखते हैं। नेक्स्ट ऐप का आपको मैं दिखाता हूँ हॉटस्टार ओपन करके। तो इस तरह से हॉटस्टार ओपन होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉटस्टार ऐप इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो होम, डिज्नी, टीवी, मूवीज़, न्यूज़, स्पोर्ट्स, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देता है हॉटस्टार में। इस तरह से सभी सीरीज़ या न्यूज़ चैनल्स वगैरह आप इसमें हॉटस्टार में देख सकते हैं। नेक्स्ट ऐप आपको दिखाता हूँ मैं, सोनी लिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनी लिव ओपन हो गया है। यहाँ पे ऑल शोज़, मूवीज, स्पोर्ट्स, इस तरह से सभी चैनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ऐप आपको दिखाते हैं हम नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स होम ओपन होने के बाद इस तरह से नेटफ्लिक्स का होम पेज दिखता है। यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं आपके नेटफ्लिक्स अकाउंट से और वहाँ से आप नेटफ्लिक्स एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अगर कोई मीडिया प्ले करना है पेन ड्राइव वगैरह से तो वो किस तरह से आप प्ले कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव या कोई भी मल्टीमीडिया प्ले करने के लिए उस USB को आपको टीवी के बैक साइड में USB के यहाँ पे लगाना होता है। इसके बाद आपको होम स्क्रीन दबाना होता है। होम स्क्रीन पे आपको मीडिया का ऑप्शन मिलता है, तो मैं पेन ड्राइव लगा के आपको दिखाता हूँ।
तो पेन ड्राइव प्लग हो गया है, तो मीडिया में जाने के बाद आपको आपका जो पेन ड्राइव है यूएसबी है वो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। और जो आपके पेन ड्राइव के अंदर जो भी मीडिया होगा, म्यूजिक, इमेजेस या लाइब्रेरी में जो भी होगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं आपको एक डेमो वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह से आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि आपको पेन ड्राइव प्ले करना है तो यूएसबी मीडिया में जाना होता है। इसके अलावा ये ऐप्स सारे हमने डाउनलोड करके आपको दिखाए जो ऐप स्टोर में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर होम स्क्रीन बटन दबाते, होम का बटन, तो आप जब होम पे आते तो यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो हमने दिखा दिया आपको। यहाँ पे सेटिंग में आपको वाईफाई सेट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया था, इसके साथ दो रिमोट आते हैं, एक जो नॉर्मल रिमोट, रेगुलर रिमोट होता है स्टैंडर्ड, और जो दूसरा रिमोट आता है ये स्मार्ट रिमोट है या फिर एयर माउस रिमोट बोल सकते हैं। इसके पीछे आपको देखेंगे अगर तो यहाँ पे क्वार्टी कीबोर्ड मिलता है आपको। ये आपको टाइपिंग वगैरह की आसानी के लिए यहाँ पे क्वार्टी कीबोर्ड वाला रिमोट दिया जाता है। इसे प्लग करने के लिए आपको इसके साथ एक डोंगल आता है, उसे बस आपको सिंपली टीवी में प्लग कर देना है। अभी प्लग किया तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस का सिंबल होगा, तो क्या आप यहाँ पे कर्सल देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आप कर्सल से भी आपका टीवी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्मार्ट रिमोट से यूट्यूब ओपन कर लिया है, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे आपको टाइप करना होता है, जो नॉर्मल रिमोट से आपको लेफ्ट राइट करके करना होता है, लेकिन स्मार्ट रिमोट के यहाँ पे क्वार्टी कीबोर्ड की वजह से आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। जो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे टाइपिंग हो रहा है। तो इस तरह से आप डेवू स्मार्ट टीवी को सेटअप कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐप इसमें यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आपको वाईफाई वगैरह कनेक्ट करना है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।